व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर पहले का चौथा प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न क्या दे रखा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है। इसके पहले के 3 प्रश्न हम कर चुके थे और यह चौथा है और इसमें हम हल करेंगे। तो यहाँ दे रखा है x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 और 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे। हल हम लिखेंगे रेखिक समीकरण ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो इस रूप में होता है रैखिक समीकरण, हमें पता ही है। इसके पहले के जो 3 सवाल करे थे उसमें भी हमने करा था। तो ये इसलिए लिख रहे हैं, ए एक्स धन बी वाई धन सी के रूप में होता है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक्स के साथ जो संख्या वो ए है, वाई के साथ जो संख्या वो बी है, और जो अगली जो संख्या, तीसरी जो संख्या बचेगी वो सी है। तो अब हम ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखे, युग्म मतलब 2 समीकरण दे रखे, तो इनको हम नाम दे देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, पहली क्या समीकरण है, एक्स ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0, इसे हमने दे दिया नाम समीकरण 1। और इसके बाद जो अगली समीकरण दे रखी है, 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0, ये हो गई समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों से x के साथ जो संख्या a है, y के साथ b है और c है, इनको a1 b1 और c1 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि इन समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। तो इसका एक सूत्र है जो कि हमने हर सवाल में साथ में देखा, तो एक बार फिर से देख लेंगे। इसका सूत्र यह है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अभी हम निकालेंगे इस सवाल से, ताकि हम इसके अनुसार पता कर सके कि इस समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। तो ऐसी स्थिति में a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो अद्वितीय हल होगा, और ऐसी स्थिति में इसे हमें हल करना पड़ेगा। इसके बाद है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और यह भी बराबर है c1 बटा c2 के, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की स्थिति में हम उसे हल नहीं करेंगे। इसके बाद जो तीसरा सूत्र है कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह दोनों बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो युग्म का कोई हल नहीं है। तो यदि ये दोनों स्थिति बनती है, ठीक है, ये तीनों यदि बराबर हो और 2 बराबर और यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, तो इन दोनों स्थिति में हम उस समीकरण को हल नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये वाली स्थिति, प्रथम स्थिति, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ऐसी स्थिति में हम उसे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों समीकरण युग्म में से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 व 2 नाम दे दिया है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से जो a1, ठीक है, समीकरण 1 से जो a b और c हम निकालेंगे उसे हम a1 b1 और c1 नाम दे देंगे, और समीकरण 2 से जो हम a b और c निकालेंगे उसे a2 b2 और c2 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से a1 बराबर, a1 मतलब समीकरण 1 में x के साथ जो संख्या वो a है, देखो ये x के साथ जो संख्या a होगी, तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 x है, तो x के साथ क्या है, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। इसके बाद b1 बराबर, तो y के साथ क्या है, y के साथ है ऋण 3, तो यह b1 हो जाएगा। उसी प्रकार c1 बराबर, तो c1 मतलब जो बची हुई संख्या वो c1 है, तो ये हो जाएगी ऋण 7, ठीक है, ऋण 7 c1 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे a2 बराबर, तो x के साथ जो संख्या a है, तो
x के साथ यहाँ तीन है तो हम तीन लिख देंगे। इसी प्रकार b2 बराबर तो y के साथ क्या है ऋण तीन है तो यहाँ पे b2 का मान ऋण तीन आ जाएगा। इसी प्रकार c2 बराबर तो जो बची संख्या c होगी तो यहाँ ऋण पंद्रह तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण पंद्रह। अब हम a1 ठीक है अब या इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर ठीक है a1 बटा a2 क्या है एक बटा तीन ठीक है ये a1 का मान एक है a2 का मान तीन है तो अब हमने लिख दिया एक बटा तीन। इसी प्रकार हमें b1 बटा b2 निकालना है बराबर ठीक है b1 कितना है ऋण तीन बटा b2 कितना है ऋण तीन। अब जो संख्या कट सकती जिनको और सरल कर सकते हम उन्हें कर देंगे तो ऋण से ऋण कट जाएगा तीन एकम तीन तीन एकम तीन ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा एक ठीक इसका मान हो गया एक या एक बटा एक भी हम लिख सकते ठीक है एक बटा एक भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार c1 बटा c2 बराबर तो c1 कितना ऋण सात बटा c2 कितना ऋण पंद्रह ठीक है ऋण पंद्रह हमने निकाला था ऋण से ऋण काट देंगे तो बराबर आ गया सात बटा पंद्रह। तो हम सबसे पहले तो पहली स्थिति देख लेंगे यदि पहली ही स्थिति आ जाएगी तो हमें उसको हल करना है। तो पहली स्थिति क्या है इस प्रकार अब हमने इसको तो निकाल लिया है a1 बटा a2 एक बटा तीन है और b1 बटा b2 एक बटा एक है तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहली स्थिति आ जाएगी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो ऐसी स्थिति में क्या होता है अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा और ऐसी स्थिति में हमें इसे हल करना है। तो इसे वज्र गुणन विधि से हल करने के बारे में बताया गया है तो हम इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने पर तो वज्रगुणन विधि का सूत्र है सबसे पहले वह लिखेंगे x बटा b1 c2 ऋण b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 ऋण c2 a1 बराबर एक बटा a1 b2 ऋण a2 b1 ठीक है। तो यह सूत्र है और x के नीचे जो संख्या आएगी उसका मान x के बराबर होगा y के साथ जो संख्या होगी उसका मान y के बराबर होगा और यहाँ जो संख्या आएगी यदि यहाँ पे कुछ मान आ जाता है तो उसे हमें इसके बराबर ठीक है इसके बराबर इसको रख के और हल करना पड़ेगा ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा आसानी से। तो पहले हम इसके मान लिख लेते हैं तो एक्स बट्टा वाली जो संख्या है तो हम लिख देंगे एक्स बट्टा b1 के स्थान पर क्या लिखेंगे तो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 निकाल लिया आप उसमें से आसानी से देख लो। तो b1 का मान है ऋण तीन गुणा c2 का मान है ऋण पंद्रह बीच में आ जाएगा ऋण b2 का मान है ऋण तीन इसको कोष्टक में लिख देंगे गुणा c1 का मान है ऋण सात ठीक है बराबर y बटा अब c1 का मान कितना c1 का मान है ऋण सात गुणा a2 का मान है तीन इसको कोष्टक में लिख देंगे अब ये ऋण c2 का मान है ऋण पंद्रह गुणा a1 का मान है एक। तो यहाँ कोष्टक में इसलिए लिख रहे हैं इनको क्योंकि इनके आगे भी चिन्ह लगे हुए इन चिन्हों का पहले गुणा होगा उसके बाद हम इसको हल करेंगे बराबर अब एक बटा a1 के स्थान पर है एक गुणा बी टू के स्थान पर है ऋण तीन ऋण ए टू के स्थान पर है तीन गुणा बी वन के स्थान पर है ऋण तीन। तो इसको भी हम कोष्टक में लिख देंगे क्योंकि हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और इधर भी इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर इसको घटाएंगे ठीक है हर इसमें ऐसे ही करेंगे इसमें भी पहले इन दोनों का गुणा करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इनको घटाएंगे। तो इसको हल करते हैं अब हम आगे तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले x बट्टा अब देखो
यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा होगा, पहले चिन्हों का गुणा होता है, तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन। ठीक है, ऋण का ऋण में जब गुणा होता है ऋण का ऋण में तो धन हो जाता, और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो ये धन के 45 हो गए हैं, धन के 45। अब यहाँ तो ऋण है ही सही, इसके बाद यहाँ पे भी ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाता है, और 7 का 3 में गुणा करा तो 21 होगा, तो 7 या 21। तो इसको हमने पूरी तरह से हल कर लिया है इस कोष्टक वाली संख्याओं को, क्योंकि ऋण ऋण थे, दोनों ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, यहाँ पे भी ऋण का ऋण में गुणा होगा तो दोनों धन होगा, और बीच में ऋण है ही सही अभी बराबर। अब देखो इसको भी हल करेंगे, वाई बट्टा 7 का 3 में, पर ये ऋण और ये धन है तो धन ऋण ऋण ही होगा, ठीक है, ऋण ही आएगा गुणा में, 7 या 21, तो ये ऋण के 21 आए हैं, ठीक है, ऋण के 21। अब यहाँ ऋण तो है ही सही ये वाला, अब कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे तो इसमें भी ये धन और ये ऋण है तो धन ऋण ऋण आएगा, और 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, तो ऋण के 15 हो गए हैं बराबर। 1 बट्टा, अब इनका गुणा करेंगे तो ये धन का और ये ऋण का, धन ऋण ऋण आएगा, 3 का 1 में गुणा करा तो 3 आया, तो ऋण के 3 आए हैं ऋण। अब यहाँ पे भी ये धन का और ये ऋण का, धन ऋण ऋण आएगा, और 3 का 3 में गुणा करा तो 9 आया है, तो यह आ गया है ऋण का 9। और हल करेंगे अब हम इसे, तो एक्स बट्टा 45 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो एक्स बट्टा 24 हो गया, 45 में से 21 घटा दिए तो 24 आ गए हैं बराबर। वाई बट्टा, अब ये ऋण का 21 है तो ऋण का 21, अब ये जो ऋण है इसका गुणा पहले कोष्टक वाली संख्या में होगा, तो ऋण ऋण, ठीक है, गुणा होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा गुणा में, तो ये हो गया ऋण और ऋण धन हो गया, तो ये धन के 15 बाहर आ गए हैं अब बराबर। 1 बट्टा, अब यहाँ पे क्या है, ये ऋण 3 है, इस ऋण का अंदर वाले ऋण में गुणा होगा, तो गुणा जब होता तो ऋण ऋण धन हो जाता, तो ये धन हो जाएगा और ये 9। अब इसको कोष्टक के बाहर हमने लिख दिया है। अब और हल करेंगे तो एक्स बट्टा 24 बराबर वाई बट्टा, अब देखो ये ऋण के 21 और धन के 15 है, तो 21 में से 15 घटाव होगा, क्योंकि धन और ऋण है तो घटाव ही होगा, दो अलग अलग चिन्ह होगा तो उसमें घटा होगा, और फिर जो संख्या आएगी उस पर चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो 21 में से 15 घटा देंगे तो 15 16 17 18 19 20 21 6 आए, तो ऋण के 6 आ गए यहाँ पे बराबर। 1 बट्टा, अब देखो ये भी अलग अलग चिन्ह है, ये धन और ये ऋण है, तो धन ऋण ऋण होगा, मतलब घटाव होगा इनका, और चिन्ह हमेशा किसका आता, बड़ी संख्या का, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आएंगे, और 6 कैसे आएंगे, धन के, तो यहाँ पे 1/6 आ गया है। अब देखो यहाँ पे यदि 1/6 आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले हमने जो एक सवाल करा था, तो यहाँ उसमें 1/1 आया था, तो हमको हमने इस संख्या को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे 1/6 आ रहा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक्स बट्टा 24 बराबर 1/6, दोनों को इसके बराबर रख के हल करना पड़ेगा, तो सर्वप्रथम एक्स बट्टा 24 बराबर 1/6 कर देंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो इसका जो है क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 x का 6 में गुणा होगा, तो ये हो जाएंगे 6x बराबर 24 का 1 में गुणा होगा तो 24 हो गए हैं। अब यहाँ पे 6x बराबर 24 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बराबर के इधर तो 24 था ही सही, 24/6 इसके बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि ये गुणा में था, बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो अब इसको हल कर लेंगे तो 6 एकम 6 6 चौक 24, एक्स बराबर हो गया 4, ठीक है, एक्स का मान अब हमारे पास आ गया है 4। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार हम अब देखो वाई क्या था, वाई बट्टा ऋण 6 बराबर 1/6, इसके लिए भी 1/6 इसके बराबर होगा, हमने पहले 1/24 बराबर 1/6 करके x का मान निकाल लिया, और अब दूसरी बार क्या करेंगे, y बटा ऋण 6 बराबर 1/6 करेंगे और इसका हल निकालेंगे, तो अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो y का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर ऋण 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 6 हो गया है। अब देखो y बराबर ऋण 6/6, ये 6 इसके बट्टा में चला गया,
तो छ एकम छ, छ एकम छ, एक मान आया है, तो y बराबर हो गया ऋण एक। y का मान क्या आ गया है? ऋण एक। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न हल हो गया है। इसको हम लिख देंगे आंसर, x बराबर 4, y बराबर ऋण एक। इस प्रकार से हमने इसको पूरी तरह से हल कर लिया है।